10 से लगातार चला रहे हो ट्रैक्टर, कोई उम्मीद है कितने घंटे चल गया होगा आपका? ये लगातार काम भी कर रहे हो, मेंटेनेंस भी नहीं आया, ऊपर वाले की कृपा है, इससे बहुत पैसा कमाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आप कहोगे कि रोड पर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, तो रोड से मैं यहां से गुजर रहा था, ये बदायूं का रोड है, बदायूं बिसोली वाला रोड है, और यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि सामने रोटावेटर चल रहा है। जल्दी आप आओ मेरे किसान भाइयों को दिखाओ, यहां क्या है ना 35 HP का दोस्तों ट्रैक्टर है, 35 HP का, और 8 फीट का रोटावेटर किसान भाई ने गिर रखा है। देखो कमाल कर दिया बिल्कुल, और देखो रोटावेटर कितना जबरदस्त तरीके से चल रहा है भाई, वाहन देखो खेत में, ये देखो मेरे पैर पूरे धंस रहे हैं मिट्टी के अंदर, इतना जबरदस्त वाहन करके ये चल रहा है। तो किसान भाई से जानकारी लूंगा मैं, किसान भाई को रोकूंगा कि ये रोटावेटर किस कंपनी का है और ट्रैक्टर कौन सा है, और ये 35 HP का ट्रैक्टर 8 फीट का रोटावेटर चला रहा है दोस्तों, कमाल ही हो गया बिल्कुल। और वाहन देखो दोस्तों, वाहन देखो कितना जबरदस्त ये वाहन करके चल रहा है, ये देखो मिट्टी देखो दोस्तों, साइड वाला जो तवा है ना इसका, जो साइड वाला डिस्क है बिल्कुल मिट्टी के अंदर है, बिल्कुल मिट्टी के अंदर, और मिट्टी देखो टायर तक फेंक रहे हैं, ये देखो। रोक लो जी भाई साहब, रोक लो, बंद कर लो। ट्रैक्टर तो जी आपका कमाल चल रहा है बिल्कुल, वैसे भाई साहब ठीक चलता है ट्रैक्टर जी। नीचे आ जाओ आप, मेरे किसान भाई आपको देखो देख रहे हैं, इन्हें पहले तो छोटा सा अपना जो परिचय है वो करा दो, जो अपना नाम पता वगैरह है वो बताओ। नाम रूप बसंत है, ग्राम धर्मपुर बिहारीपुर जी, जिला बदायूं, तहसील बिसोली है। भाई साहब ट्रैक्टर में ऐसा क्या कमाल हो गया आपके कि 8 फीट का रोटावेटर चला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कौन सा मॉडल है ट्रैक्टर जो है अपना? 2010 मॉडल है। 2010 में आपने खरीदा था? तो 10 से 10 में नया ही खरीदा था या सेकंड हैंड? नया खरीदा था। नया खरीदा था जी। तो 10 से आज लगभग 24 हो गई, लगभग 14-15 साल आपको इसके साथ हो गए। आज तक कोई टूट फूट, कोई मेंटेनेंस आया ट्रैक्टर के अंदर? ट्रैक्टर में कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। कोई मेंटेनेंस नहीं? कोई भी नहीं है, खुल के चलता है, खुल के बिल्कुल बिंदास। ये रोटावेटर 8 फीट का आपने डाल रखा है पीछे, भाई साहब ये क्या कमाल है, ये 8 फीट का चला कैसे रहा है ट्रैक्टर? कुछ ट्रैक्टर का कमाल है, बाकी तो ये कंपनी का रोटावेटर का कमाल है भाई। अच्छा ये जो कमाल हो रहा है, हाँ जी, ये ट्रैक्टर का तो है ही है, रोटावेटर का भी कमाल है। किस कंपनी का रोटावेटर ले रखा है आपने? ये लवली एग्रो इंडस्ट्रीज का है। अच्छा हाँ जी भाई साहब, ये कंपनी कहाँ की है भाई साहब? मैं तो आपसे नाम पहली बार, ये बिसोली। अच्छा ये कंपनी आपके लोकल की ही कंपनी है? लोकल की है। अच्छा 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 भाई साहब, इसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भाई भी जानने के इच्छुक हो रहे हैं, क्योंकि जो काम इसका मैं देख रहा हूँ दोस्तों, फिनिशिंग आप देखो कितनी जबरदस्त मलाई बना के मिट्टी की चल रहा है, आप देखो, और यहाँ फिनिशिंग आप देखो क्या है जी, क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही गजब का है। क्या चीजें ऐसी इसके अंदर लगाई गई है, क्या आपको अलग लगा, क्योंकि मार्केट में तो बहुत कंपनियां हैं, बहुत कंपनियां, फिर रेटों के अनुसार भी देखा हमने, घूम के देखा, फिर इसकी मजबूती देखी कि पल्ला कितना मजबूत है, कितना क्या है, कौन से ब्लेड लगा के दे रहे हैं, यानी कि ऐसे ही नहीं लिया है आप, पूरा रिसर्च करी पहले, पूरा का अच्छा मतलब पैसा डाल रहे हैं 1 लाख रुपए का बिल्कुल मामला, तो फिर देख पर ठोक बजाए का बिल्कुल तब लिया है, और हमें कौन सा फ्री दे देगा कोई? बिल्कुल सही बात है जी, पैसा खर्च करा है, देखो आपने पैसा खर्च करा जी, हाँ जी। संतुष्टि आपको मिल रही है, क्या चीजें और इसके अंदर अलग आपको दिखाई दी, क्योंकि रोटावेटर तो आपने बहुत सर्च भी करे होंगे, देखे भी होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों से देखे होंगे, कंपनियों के पास गए, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको अलग दिखाई दी? इसका गियर बक्से में हमें ज्यादा मतलब संतुष्टि नजर आई, गियर बक्से और चलता बिल्कुल लोड फ्री है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कोई ट्रैक्टर धुआं नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिंदास होकर चलता है। लगभग समय कितना हो गया खरीदे हुए? इससे 10 महीने हो गए। 10 महीने हाँ हो चुके हैं आपको चलाते हुए? हाँ चलाते तो हुए होगा, खूब भरपूर चलाते हैं इसे। अपना ही काम है या भाड़े का भी करते हैं? भाड़े का भी करते हैं और अपना भी, हम पे काम बहुत है, मतलब चैंपियन ट्रैक्टर 35 HP का है, 8 फीट का रोटावेटर है, भाड़े का भी काम कर रहे हो और 10 महीने से लगातार चला रहे हो? लगातार चलता है, रात और दिन चलते रहते हैं, 2-3 भाई हैं अपने, चलाते रहते हैं, 3 लगातार चलता रहता है। कितने बीघे की लगभग जुताई करती होगी अब तक इससे? इससे तो काफी जुताई कर दी, ऐसे लमसम अंदाजा नहीं है, चला ही रहे मतलब लगातार चल ही रहा है गांव के अंदर। ब्लेड साथ के ही हैं अभी? ब्लेड साथ के ही हैं? हाँ ब्लेड साथ के हैं, ब्लेड भी साथ के ही चल रहे हैं अभी, और जुताई भी आप बता रहे हो लगातार काम चलता ही रहता है, चलता रहता है जी। दोस्तों ब्लेड भी आप देख लो, मैं ब्लेड भी इसके देखूंगा, ये देखो लगभग ये अभी आधे भी नहीं घिसे, ये देखो, और जुताई दोस्तों बता रहे हैं ना ये 2-3 भाई हैं, लगातार चलाते हैं ट्रैक्टर को, नॉन स्टॉप चलता है, और मिट्टी देखो इस चीज़ से आप अंदाजा लगाओगे, ट्रैक्टर के टायर के ऊपर, व्हील के ऊपर मिट्टी देखो, धूल देखो, पूरा ट्रैक्टर मिट्टी में हो रखा है, ऐसा नहीं कि शोरूम में खड़ा हो जाता हो, ये घर में ढक के खड़ा हो जाता हो, लगातार काम करता रहता है। और देखो ट्रैक्टर चलते हुए मैंने बंद कराया था ना यहाँ पे, ये देखो मिट्टी कितनी सारी लेके चल रहा था आगे, और तवा देखो डिस्क साइड वाला दिख नहीं रहा, ये ऊपर वाला इतना पार्ट बचा हुआ है, तो इस चीज़ से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी जबरदस्त ये गहराई लेकर के चल रहा था। अच्छा भाई साहब एक चीज़ और बताओ मेरे किसान भाइयों को, जैसे आप चला रहे हो इसे तो लगभग घंटे के अंदर कितनी जुताई कर देता है? ये पहले के गियर में चलाते हैं, पहले के लो में जी,
और लगभग ये 8 बीघा से 7 बीघा जमीन जोत देता है घंटे। लो के पहले गियर में आप चलाते हो, पहले गियर में 7 से 8 बीघा जुताई घंटे के अंदर कर देता है। क्योंकि अब मेरे दर्शक भाई जो आपको देख रहे हैं ना, हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हैं, तो कहीं पे क्या है कि एक एकड़ में 2 ही बीघे होते हैं, तो वो ये कह देंगे कि भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा। तो अपने यहाँ एक एकड़ में कितने बीघे हैं? हमारे यहाँ पे एक एकड़ में 6 बीघे होते हैं। 6 बीघे का एक एकड़ है। एक एकड़ जी, तो उस हिसाब से आप बता रहे हो कि घंटे के अंदर लगभग 7 से 8 बीघे जुताई कर देता है। तो डीजल खपत कैसी करता है ट्रैक्टर इसके ऊपर? ये डीजल की अगर जैसे हम फुल लोड पे लेते हैं और मिट्टी टाइट वाला खेत है जी, और मतलब इसके मरुधार पे चलाते हैं बढ़िया करके, मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल आप लीवर छोड़ के और फुल गीले खेत में चलाते हो तब कितना खाता है हैवी लोड के ऊपर? ज्यादा से ज्यादा 5.5 लीटर से 6 लीटर तक तेल, ज्यादा मैक्सिमम, नहीं तो नीचे रहता है ये, 6 से ऊपर नहीं गया कभी। थ्रेसर भी चलाते थे इससे 6 से नीचे चलता था, 5.5 पे चलता था। तो ये जो कमाल हो रहा है, इतना कम डीजल भी ट्रैक्टर आपका खाता है, तो मैं ये कह दूं कि रोटावेटर का कमाल है, रोटावेटर ने डीजल भी बचा दिया आपका। ये भी है रोटावेटर का भी कमाल, रोटावेटर का कमाल है। और क्या विशेषता है इसके अंदर अलग है जो आपको अन्य रोटावेटर में देखने को नहीं मिली? अब वो है, ये देखते थे हम किसी में कैसा ही पल्ला है, किसी में कुछ भी है जी, सबका अलग अलग। बहुत से लोग मतलब ये टॉप की डिजाइनिंग बना देते हैं, डिजाइनिंग से होता क्या है, हमें चाहिए इसकी मजबूताई जी, हमें डिजाइनिंग को इसकी शोरूम में थोड़ा ही रखना है, हमें बिल्कुल दिखाना थोड़ा ही है बिल्कुल। बहुत से रोटावेटरों में किसी का ले लो XYZ कंपनी, बिल्कुल सभी में डिजाइनों से देते हैं, मतलब उसके टॉप पतले जरूर होते हैं। अच्छा, मैंने देखा है भाई साहब जो आजकल रोटावेटर चल रहे हैं, कंपनियां बना रही हैं बड़ी बड़ी, तो उसके अंदर टॉप पूरा आता है। हाँ, पूरा ये कहते हैं जी हमारा हैवी है, तो आपका तो मैं देख रहा हूँ एंगल वाला टॉप है, कोई दिक्कत तो नहीं? मोटा एंगल है इसका, धड़कता तो नहीं इससे रोटावेटर? बिल्कुल नहीं, आप अभी आज पानी रख के देखिए आज गिलास इस पे जी, बिल्कुल ऐसा ही रखा रहेगा, बिल्कुल पानी की तरह चलता है। शीशे वाले गिलास नहीं, थर्माकोल वाले। अच्छा, गिरेगा नहीं गिलास? बिल्कुल नहीं, मतलब ये जो इंगल भी कंपनी ने लगाई हैं तो ऐसे ही नहीं लगा दी, पूरी रिसर्च करके हैवी ड्यूटी लगाई है ना उस पे, वो भी लगे हुए हैं कंपनी के पास, वो भी हैं जी। अच्छा, वो वाले भी ऑप्शन है? वो भी वाले भी हैं, मगर हमने ये वाला लगवाया था। आपने ये वाला लगवाया था, आपको इसके अंदर क्या सहूलियत लगी ऐसी? उसे तो कंपनी कहती है वो ज्यादा मजबूत है, ऐसा वो उनकी नजर में मजबूत है, इतनी पतली चादर होती है जी, जैसे इसकी उम्र भी होती है लोहा की, बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है कि ये जीवन बीमा हो गया इसका, बिल्कुल कभी ये टूट भी जाए तो इस पे वेल्डिंग पट्टा लगा के करा सकते हो, उस पे वेल्डिंग नहीं करा सकते क्योंकि वो गल जाएगा। वेल्डिंग के रिसर्च पूरी लंबी कर रखी है कि लंबा चलाएंगे अगर कोई दिक्कत भी आएगी तो। साल से मान लो ट्रैक्टर, ये 2010 से ट्रैक्टर चला रहे हैं तो पूरा का पूरा जी थोड़ा बहुत तो जानकारी आएगी आएगी जी। तो जैसे आप 10 से लगातार चला रहे हो ट्रैक्टर, कोई उम्मीद है कितने घंटे चल गया होगा आपका ये? 15,000 घंटे। 15,000 घंटे क्रॉस कर प्लस दिया। प्लस 15,000 से प्लस है। कैसा अनुभव रहा इसके साथ? कभी मन में विचार नहीं आया कि ट्रैक्टर बदले नया ले? ट्रैक्टर नया तो खैर लेंगे, हमारे इससे तो कभी जीवन में ही नहीं बेचेंगे। अच्छा, बेचेंगे ही नहीं? नहीं, ये एक तरीके से कह दूं कि लेना फागना हो गया ट्रैक्टर आपको, ऊपर वाले की कृपा है, इससे बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा कमाया, बहुत जी, चलिए थोड़ा बहुत पैसा। यहाँ आज आप खड़े हो, कुछ सिस्टम इसने बनाया के दिया है तो वो देन है इसकी। हाँ, बहुत पैसा कमाया है बिल्कुल। और टोटल हमने ये फाइनेंस लिया था, टोटल फाइनेंस ओनली 35,000 जमा करके, मात्र 35,000। तो उस समय लगभग कीमत क्या पड़ी थी आपको इसकी? 4,60 में दिया था उस समय मैं फाइनेंस के कंप्लीट, हमें 4,60,000 का आपको पड़ा था मैं फाइनेंस की, मात्र 35,000 जमा करे थे, बाकी फाइनेंस था। तो वो तो कब का फ्री कर दिया होगा इसने? धीरे धीरे करते गए अपना और निवेश करते, इसका ब्याज कितना होता है फाइनेंस का? चलता गया बिल्कुल बिल्कुल, देना इसके ऊपर। अब जैसे ट्रैक्टर आपका लगभग 12-14 साल आपने चला लिया, रोटावेटर आपने इतने कमाल का ही खरीदा है, कौन सा रोटावेटर बताया फिर एक बार मेरे दर्शक भाई को, एग्रो इंडस्ट्री, ताकि मेरा अगर कोई किसान भाई आज के समय में विचार कर रहे हो रोटावेटर लेने का तो वो भी ये चीज देखे कि काम कैसा है रोटावेटर का और विचार करे, अगर खरीदने का विचार करे तो कैसे खरीदे? बहुत अच्छा रहेगा जो भी किसान खरीदेंगे इसे जी। मैं भी किसान ही हूँ, मैं थोड़ा ही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोड से गुजर रहा था, थोड़ा समय आपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए। आपका देखो किसान भाइयों, मैं आपको यही चीज बता करके चल रहा था कि मैं रोड से गुजर रहा था, मुझे अटपटा ये लगा कि 35 HP ट्रैक्टर है और 8 फीट का चल कैसे रहा है, प्रॉपर देखा मैंने चलता हुआ और काम आपके सामने है, आपने भी देखा कोई धुएं का नाम नहीं था ट्रैक्टर के ऊपर। और दोस्तों देखो कॉन्टैक्ट नंबर भी, ये कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी का, कंपनी का ये दोस्तों, अगर आपका खरीदने का विचार बन रहा हो ना तो ये देखो कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी के हैं, इन पर आप संपर्क कर लेना। ये है दोस्तों लवली एग्रो इंडस्ट्री का बना हुआ, ये दोस्तों बदायूं में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, बदायूं से ही लिया है आपने? हाँ, बिसौली से लिया है। अच्छा, बिसौली से लिया है, ठीक है जी, ठीक है। तो अनुभव संतुष्टिपूर्ण रहा रोटावेटर के साथ भी और ट्रैक्टर के साथ भी? हाँ जी। क्या राय दोगे अब दर्शक भाई कोई लेने का विचार तो कर रहे हो? कोई भी किसान अगर इसे, दर्शक जो भी देख रहे हैं वीडियो के लिए जी, और खरीदना चाहे, किसान नहीं खरीदेंगे इसे तो बिल्कुल, बिल्कुल, क्या करेगा,
बहुत ही संतुष्ट रहेंगे, बहुत ही संतुष्ट, संतुष्टि भरा काम, बिल्कुल जी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने आज की वीडियो में, कुछ यूनिक कुछ नया था आज की वीडियो में आपके लिए, क्योंकि मैं रोड से गुजर रहा था, ऐसी जब कुछ चीज़ें दिखाई दे जाती हैं उठपटांग नई चीज़ें, तो मन करता है आप लोगों को भी वो चीज़ें दिखाई जाएं। तो उसी क्रम में आज आपको ये रोटावेटर दिखाने की मैंने कोशिश की, 8 फीट का रोटावेटर, 35 HP ट्रैक्टर, लोड फ्री चला रहा था। मैं कंपनी भी लेकर के चलूँगा, नेक्स्ट वीडियो आपको कंपनी की भी दिखाऊँगा, क्योंकि कंपनी के जो ओनर हैं उनके साथ भी मिलना ज़रूरी होगा, जानेंगे उनसे और विस्तार से कि क्या विशेषताएं इसके अंदर ऐसी डाली गई हैं, क्योंकि किसान किसान वाली बात करता है, जो कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ की गई हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, उनके साथ मुलाकात आपकी मैं कराऊंगा। तो आज की वीडियो थी आपके लिए ये कमाल की, वीडियो कैसी लगी है राय दीजिएगा, पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, और विचार अगर आपका है रोटावेटर खरीदने का तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिखा दिए हैं, आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप नंबर लेकर के कॉन्टैक्ट कंपनी को कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।